मैं हूं इस्माइल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। फटपुरो ग्राम सभा में ऐसी जगह मौजूद है जहां पर एक सरकारी हैंडपंप लगभग 10-12 साल से एकदम से ठप है और इस विषय में जो ग्रामीण है उन्होंने बात की है। जब ग्राम विकास अधिकारी तो ग्राम विकास अधिकारी का कहना है कि इस नल पे कई बार पैसा निकल चुका है। अब हम बात करेंगे उन ग्रामीणों से। क्या नाम है आपका? बिल्लू नाम है। बिल्लू, जब आपने ग्राम विकास अधिकारी की इस नल के ऊपर बातचीत की, उसकी चेक कट गई, उसका पैसा निकल गया, रिपोर्ट तो हो गया। आपने पता नहीं कि पैसा निकल गया? हमने कई बार पूछा तो कहीं उसका पैसा हमारे पास आता है। पानी बहुत दिक्कत हो रहा है, सलीम मेरे दरवाजे से खुद लगा है। एक हमारे सामने ग्रामीण और एक ऐसे मौजूद हैं जो लगभग 6 महीने से पीड़ित हैं और जन सूचना मांग कर थक चुके हैं, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उनको कोई कागज नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम है? तुम्हारा मतलब खाना जन सूचना सबसे पहले कौन से देखना होगा? जी कम से कम हो गए 6 महीने जन सूचना मांगी थी, तो उसके बाद में रिमांडर भी भेजे, सिक्रेटरी रोज बुलाते हैं, एक दिन हमको बुलाए कहें 50,000 ले लो, प्रधान दे रहे हैं। हमने कहा पैसे नहीं लेंगे, 4 साल का कार्ड चाहिए, जो जितना 4 साल में काम हुआ है उतना ताजा है, खाली ऐसे बता रहे हैं। कितनी बार कम से कम 10 बार बनवा बस अभी दे रहे हैं। प्रधान से बात नहीं, हमारा प्रधान से बात नहीं है इसके बारे में। आप प्रधान धमकी दे रहा है कि उनको जेल भिजवा देंगे, ये है जल्द के बारे में आपने हाँ हमने बात कराया, वो बोले हम अभी नया आया हूँ, फिर बात करके फिर हम बताते हैं दोबारा कोई बात नहीं। हाँ ये वीडियो था हमने बात कर, आज हो गया कम से कम 15 दिन से जी कोई आपसे बात नहीं करें। नहीं दोबारा वो बातें नहीं की, एक लोग एक दिन और बात की तो बोले कि अभी समझेंगे, अभी हम मीटिंग चल रही है, डेली मीटिंग चल रही है। जो सूचना आपने मांगा कौन कौन सी? अरे ये है सर वो अपने कागजात में 4 साल का मांगा। 4 साल जी। क्या नाम है आपका? अमेरिका। किस ग्राम सभा की? बनपुरी। ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है ये ग्राम पंचायत का कौन सा रास्ता? ये बनपुरी का रास्ता, मतलब भटपुरवा गांव का रास्ता। मतलब ये मेन रास्ता है या वैसे? नहीं मेन तो नहीं है लेकिन रास्ता है। अच्छा, आम रास्ता है, सरकारी रास्ता है। हाँ सरकारी रास्ता है। अच्छा तो यहाँ की जो स्थिति है उस स्थिति से प्रधान जी से आप लोगों ने बात नहीं किया? नहीं हमने तो कई बार प्रधान जी से कहा, लेकिन प्रधान जी ने यही कहा है कि भाई अभी खड़ंजा का कोई पैसा ही नहीं आया तो हम कैसे लगे। तो आप लोगों ने ये नहीं कहा कि प्रधान जी वहाँ पर इतना कीचड़ है, इतना बदबू आ रहा है, उसे कई तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होने का भय बना हुआ है? तो कई बार कहा गया है लेकिन प्रधान जी मानते ही नहीं तो मैं क्या करूँ। अच्छा प्रधान जी कह रहे हैं कि आप लोग इसी गंदगी में रहिए? नहीं प्रधान जी तो नहीं कह रहे हैं ये बात तो, लेकिन हम लोग कई बार शिकायत किए प्रधान के वहाँ, वीडियो के वहाँ शिकायत की, लेकिन कोई इस पर ध्यान ही नहीं दिया है। बताते हैं मेन वाला चेक करके चले जाते हैं। सफाई कर्मी का क्या? सफाई कर्मी तो विनोद अभी साफ कराई थे, बस इतना ही था, इतना ही साफ कराई। सफाई कर्मी जो है आपके ग्राम पंचायत में जो मिट्टी निकालता है उसे कहाँ जमा करता है? उसको पर यहीं पे फेंक देता है बगल में, देखो ना ढेर लगा पड़ा है। क्या नाम है आपका? हीराराम। कौन से ग्राम सभा निवासी हो? प्रधान कौन है आपका? डायरेक्टर। समस्या बताओ अपनी। अब समस्या का खड़ंजा नहीं निकला जाए, अब पुराना ईटा सब लगा है और उम्र तनिका न चल मिला, न साइकिल चल मिला, न आदमी ना चल पाया तो साइकिल। शौचालय मिला आपको? शौचालय मिला आज भाड़ा पड़ा। पैसा आपको मिला था कि नहीं? फिर कैसे अधूरा पड़ा? अब कोई जाने कहा था कि हम बनवा देंगे अभी। कौन बनवा रहा था? डॉक्टर। तो दोबारा बताया नहीं आपने? अब बतावा जाता तो सवारी देते। जॉब कार्ड है आपके पास? हाँ जॉब कार्ड है। काम करते हैं आप? हाँ काम करते हैं, नरेगा में काम करते हैं। पैसा आपके खाते में आता है? पैसा तो नहीं आया। तो नरेगा में आप काम करते पैसा कैसे नहीं आता? हाँ पैसा नहीं आया होता, पैसा हम लोग ऐसे ऐसे जहाज देते हैं।